भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार सुदीप पांडे ने अब राजनीतिक सफर की शुरुआत कर दी है। वह औपचारिक रूप से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। एनसीपी के दिग्गज नेता प्रफुल्ल पटेल और महाराष्ट्र एनसीपी अध्यक्ष जयंत पाटिल के समक्ष सुदीप पांडे ने यह प्रवेश किया। एन बिहार चुनाव से पहले इस दिग्गज कलाकार के एनसीपी में शामिल होने से बिहार की राजनीति में अब नया कुछ जरूर देखने को मिलेगा। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को आदर्श मानने वाले अभिनेता सुदीप पांडे से ही जानते हैं उनके एनसीपी में शामिल होने की वजह। इसलिए ऐसा है कि मैं किसी और पार्टी में जुड़ रहा था, लेकिन एक रविंद्र मंगावे जी हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं उनको धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे जयंत पाटिल जी, माननीय जयंत पाटिल जी से मिलाया। जब मैं उनसे मिला, मुझे पता चला कि वो भी एक इंजीनियर थे, मैं भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, और फिर मैं सुप्रिया मैडम के बारे में जाना, वो भी अमेरिका में थी सॉफ्टवेयर, तो हम सब समझिए तो US रिटर्न है और हम सब पढ़े लिखे लोग हैं। तो मुझे लगा कि जिस पार्टी के नेतृत्व में, जिस पार्टी को लीड करने वाले लीडर्स इतने पढ़े लिखे और इतने शिक्षित हों, तो उस पार्टी से जुड़कर मैं कुछ कर पाऊँगा। जो मैं सोच कर आया हूँ कि समाज की सेवा करनी है, मेरे लिए आसान होगा। देखिए, दो तरह के पॉलिटिशियन होते हैं, एक फ्रंट पर रहकर जो लड़ाई करते हैं और दूसरे जो लड़ाई करवाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि पीछे में रहकर मैं देखूँ और मैं चाहता हूँ कि एक डायरेक्शन दूँ। टिकट लड़ना मेरा उद्देश्य नहीं था और कभी नहीं है, मेरा शौक नहीं है। और मैं ज़मीन पर जाकर, मैं अगर टिकट लड़ूँ तो मैं एक सीट निकाल पाऊँगा, लेकिन अगर मैं जो मेरी एक छवि है एक हीरो की, और हीरो से बढ़कर मेरी एक छवि है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। मैं अमेरिका में था, मैं बड़ी बड़ी कंपनीज में काम किया हूँ, कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम किया हूँ, तो मैं एक जान सकता हूँ कि विकास कैसे लाया जा सकता है। नीतीश जी भी इंजीनियर हैं, इसलिए इतना कुछ कर पा रहे हैं, बट वो 5% कर रहे हैं, उसको अभी और 100% करने की ज़रूरत है। तो मैं चाहता हूँ कि एक डायरेक्शन दे सकूँ। अगर मैं एक जगह पर लग गया तो बाकी और जो जगह जहाँ पार्टी लड़ रही है वो कौन देखेगा, कौन संभालेगा। सुदीप पांडे को गम इस बात का है कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी बिहार में सही मायने में तरक्की नहीं हुई है, सही ढंग से रोजगार के साधन भी उपलब्ध नहीं हो सके हैं, जिस वजह से लोगों को बिहार छोड़कर दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। वह कहते हैं कि यही वजह है कि बिहार में बदलाव का वक्त आ चुका है। महाराष्ट्र एक बहुत खुशहाल राज्य है, हमारे पूरे राष्ट्र में अव्वल नंबर आता है। यहाँ की व्यवस्था देखिए, मैं शूटिंग में किसी भी गांव में जाता हूँ, वहाँ का सड़क, पानी, बिजली या जो भी हम व्यवस्था देखते हैं, और उसके कंपैरेटिवली अगर हम बिहार में देखते हैं तो दिल बैठ जाता है। जो बदहाली हम देखते हैं, रोजगार नहीं है, लोग पलायन के लिए बाहर जाते हैं, इसका पूरा श्रेय मैं परम पूज्य श्री शरद पवार सर को देता हूँ, जिन्होंने 50 से ज़्यादा साल से अधिक जिनका योगदान रहा है महाराष्ट्र के विकास के लिए। और मैं चाहता हूँ कि एनसीपी से मैं सीखूँ, मैं चाहता हूँ कि खुद एनसीपी की ही सरकार बिहार में रहे, तो वही व्यवस्था जो हम महाराष्ट्र में देखते हैं वो हम बिहार में भी देख सकेंगे, तो पलायन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोग रोज़गार के लिए बाहर नहीं जाएंगे। दुनिया बदलाव चाहती है, लेकिन बदलाव अच्छे के लिए हो, बदलाव बुरे के लिए नहीं हो। हम बदलाव करें और जंगल राज में फिर से वापस चले जाएं, उसको हम बदलाव, वो विकास का बदलाव नहीं होगा। तो एनसीपी, मैं चाहता हूं कि एनसीपी की पार्टी, इनसे लोग सीखें, इनसे तो दुनिया सीखती है। शरद जी का एक रिस्पेक्ट है समाज में, पूरे पॉलिटिकल फील्ड में, मोदी जी तक शरद जी की तारीफ़ करते हैं। तो शरद जी से आज हमको सीखने का मौका मिल रहा है, इनके 50 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस लेने का हमको मौका मिल रहा है, तो उसको हम यूज़ करें हम बिहार के लोग। वही कुएं के मेंढक की तरह सोचते रहेंगे और वही जाति पाति में बंद कर हम अपना विकास बंद कर देंगे और बोलेंगे कि बिहार आगे बढ़ गया, तो ये मैं चाहता हूँ कि चीज़ें बदलें। अगर लोग ये मानते हैं कि बिहार में विकास हो रहा है तो वो कुएं के मेंढक हैं। आप बिहार से बाहर निकल कर देखिए तो विकास की रफ्तार क्या है, विकास हो रहा है, पूरे समाज का, पूरे दुनिया का विकास हो रहा है, लेकिन वो विकास की रफ्तार क्या है। दुनिया अगर 100 की स्पीड से चल रही है तो हम 5 की स्पीड से चल रहे हैं, उसको हम चलना बोलेंगे, उसको बैलगाड़ी की तरह चलने को हम उसको रेंगना बोलेंगे। तो अगर आप बोलते हैं कि विकास हो रहा है तो वो एक समझिए कि एक बहुत ही छोटी मानसिकता है। एक सड़क बना लेने से, सिर्फ बिजली पहुँचा देने से वो विकास नहीं होगा, जब तक आप बेरोजगारी दूर नहीं करेंगे। बेरोजगारी ही तो जड़ है हर
हर एक जो भी हमारे समाज में, जो भी बिहार में दुख है, जो भी लोग पलायन कर रहे हैं, लोग बाहर जा रहे हैं, कौन घर से बाहर जाना चाहेगा? आप और हम परिवार छोड़कर, चलिए मेरा तो ये कर्मभूमि है, फिल्म लाइन है, फिल्म जगत है, तो मुझे बाहर आना पड़ा। लेकिन जो मजदूर जो काम करने जाते हैं, अभी कोरोना में बेचारों को कितना कष्ट में रहना पड़ गया, बाहर कितना कुछ झेलना पड़ता है, वो तभी रुकेगा जब आप वहाँ पर रोज़गार देंगे, इंडस्ट्रीज खड़ा करेंगे। वो हो नहीं रहा है और विकास की बात कर रहे हैं। कैमरामैन इकबाल सेख के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, मुंबई।